नमस्कार किसान भाइयों, राम राम जी। दोस्तों आज की वीडियो है स्वराज 735 एफई पुराना मॉडल ट्रैक्टर की। दोस्तों 1993 मॉडल ट्रैक्टर है ये। तकरीबन मान के चलो इस ट्रैक्टर को होलिए 27-28 साल। थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग भी करवा रखी है, जैसे मगराड वगैरह, सलेंसर वगैरह। दोस्तों तो आज इसके पीछे हम चलाने वाले भाइयों 9 के टीलर, खाली चलाने वाले नहीं दोस्तों, टीलर बिल्कुल फिट हैं, खुरपे खरपे बिल्कुल बढ़िया नए खुरपे हैं सारे। उठवा के ऊपर दिखवाऊंगा अभी एक बार मैं आपको। आज इसकी ये जो ऊपर का पूरा चैनर है, ये जो फ्रेम है ऊपर की सारी, ये आज बिल्कुल नीचे लगावेंगे धरती पे इस ट्रैक्टर से। आज मेरी भाई की साथ में सुबह ही बहस होगी, मैंने कहा भाई यो चला नहीं सकता। उन्होंने कहा, यूँ कहने लगा भाई बिल्कुल नीचे तार देंगे सारे टीलर को, और देखियो अगर ना चलाया तो बात है, नहीं बात नहीं। तो भाइयों आज हम स्वराज का दम देखने वाले दोस्तों, क्योंकि मैं भी स्वराज का फ़ैन हूँ, मुझे भी सबसे बढ़िया ट्रैक्टर स्वराज ही लगता है। ट्रैक्टर सारे बढ़िया हैं दोस्तों, लेकिन फ़ैन मैं स्वराज का ही हूँ। तो आज इसकी परफॉर्मेंस देखने वाले 9 के टीलर पर, कि 9 के टीलर पर क्या कांड कर रहा है। तो दोस्तों अगर टायरों की बात करें, टायर तो मुझे ऐसा लग रहा यो कैमिया जोड़ी है गुरप्रीत भाई, दूसरी जोड़ी है ये, 12-4-28 के टायर हैं ये। पिछले रबड़िंग कराए नहीं दोस्तों, पिछले 12-4-28 के और रबड़िंग करवा रखे टायर ये। पहले भी इसमें रबड़िंग ही थे, पिछले टायर 10 साल के आसपास भाई बता रहे चल गए हैं, और अगले हैं 6-16 के। तो एक बार कंडीशन दिखा दूंगा ट्रैक्टर की आपको। 27-28 साल हो गए ट्रैक्टर को भाइयों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया कंडीशन पड़ी है। देखो बहुत अच्छी कंडीशन है, उस हिसाब से बंपर भी नए मॉडल का है, वो सलेंसर भी नए मॉडल का है। बाकी भाइयों बहुत भाई कह रहे सलेंसर लगाने से इसकी ताकत बढ़ गई या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ताकत सेम है लेकिन आवाज़ ज़रूर बदल जाती है। ये बात सच्चाई है कि आवाज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बढ़िया बिल्कुल जैसे फुकारा मारता है ट्रैक्टर। नए मॉडल का सलेंसर है तो भाइयों वो बस कह सकते हैं कि आवाज़ चेंज होगी, आवाज़ बहुत बढ़िया होगी पहले से। खैर आपको पता ही है कि दोस्तों स्वराज की जो आवाज़ है पहले से ही दमदार है। तो भाई जी, भाई हमारे बैठ चुके हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। गुरप्रीत केड़े गियर से चलाना वीरे है? ए वीरे पहले दे हाई च, पहले हाई च। चक्कर कितने का रखना होना? चक्कर है 1800 17-1800। चलो तो भाइयों 17-1800 है, एक बार करी स्टार्ट गुरप्रीत तेनू, अज फुल टाइम थले लाउनी है। बस ठीक है, देखो भाई आवाज ए बेटे। तो दोस्तों आज पूरी फुल टाइम है, मैं एक बार आपको डंडा भी दिखवा दूं, जो जिसे टॉप लिंक बोलते हैं। देखो कुछ भाई कहेंगे भाई ऊंचा नीचा कर रखा, ये देखो आप बिल्कुल एक सार है दोस्तों। भाई बता रहे इन्होंने जो लिफ्ट वाली सेंसिंग है ये भी निकाल दिया है, देखो। अच्छा ये ना की फायदा कटी हुई था, ट्रैक्टर हाड़ और थल्ले नु छड़ दा है। अच्छा ये दबण लग जाते हाड़ थल्ले नु, लिफ्ट डंडा इच मार दंदा टक्कर ते लिफ्ट सा मिल जांदा ट्रैक्टर नु। फिर ठीक है ठीक है ठीक है, भाई ने बताया जी, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम ये सेंसिंग वाला जो इसका सिस्टम है अगर हम निकाल देते हैं, तो जैसे टीलर ऊपर नीचे जाता है और ट्रैक्टर लोड मानता है, तो इसके निकालने से ट्रैक्टर लोड नहीं मानता, दाव नहीं मानता। तो भाई ये तो अब पता लगेगा चला के ट्रैक्टर को। तो जो भाई चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। चल भी दब दे के रहा, बज के बाजे दिखे। भाई वो भी लगा नीचे, अंदर नीचे तो भाइयों भाई कहते हैं बिल्कुल पूरा चैनर नीचे लगा के दिखाऊंगा, लेकिन चैनर नहीं दोस्तों अभी नीचे लग पाया इसका, आते हुए चक्कर में देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है दोस्तों। ट्रैक्टर भी 27-28 साल पुराना, तो अब देखेंगे भाई इस वाले चक्कर में इनू पूरा छट थले। पूरा नहीं जाता थले,
पूरा छड आए ना कर यार। इनू थले ला ही एक बार थले ला दे। दोस्तों मुश्किल बात है, थल्ले नहीं जाने का ट्रेलर पूरा आयो। भाई भी मुझे ऐसा लग रहा कुछ थोड़ा सा डर से रहा, नहीं तो बिल्कुल नीचे लगा देता सारी टाइम ट्रैक्टर। भाइयों बहुत जोर है ट्रैक्टर में। और भाइयों एक चीज मैं और बता दूं, इसमें पहले जुताई हुई है हैरो की। भाई ने बताया कि तकरीबन 3 बार हैरो निकाल चुके हैं इसमें, और अब के ये टीलर है पहली दफा इसमें 3 बार है हैरो। मुंजी का खेत है दोस्तों, जाड़े भी दिखवा दूंगा पड़े देखो मुंजी के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइयो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।